नमस्कार, हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पत्रकार और वर्तमान में हिंदी विभाग के कांग्रेस के सचिव पंकज शर्मा जी। पंकज जी, आप इंदौर से भी लगातार जुड़े रहे हैं, कांग्रेस में बहुत समय से काम देख रहे हैं और आप पत्रकारिता का भी लंबा अनुभव रखते हैं। आप कांग्रेस के विचारों को लेकर लगातार अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पर अपनी बात सामने रखते हैं। अभी एक बड़ी घटना है जिसको लेकर हिंदुस्तान में लगातार बहुत चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद है उससे परेशान होकर आखिरकार भारत ने केवल उड़ी हमला ना माने, एक लंबी जो बहुप्रतीक्षित कार्रवाई थी वो करते हुए लक्ष्य भेदी हमले किए हैं पाकिस्तान की सीमा में घुसकर, और उसको बाकायदा डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक पत्रकार वार्ता में घोषित किया है। पूरे देश में चर्चा है और खुद राहुल गांधी जी के भी ट्वीट आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ की है कि पूरे ढाई साल में पहली बार मेरा मन हुआ कि मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूं और उनकी कार्रवाई की तारीफ। लेकिन कुछ आवाजें ये भी आ रही हैं कि प्रमाण देने चाहिए, ये जो कार्रवाई है इसको लेकर सेना को प्रूफ सामने रखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मेरा मानना यह है कि इस मौके पर इस तरह के संदेह व्यक्त करना कि सबूत पेश किए जाएं, इस तरह की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल के नाते इस मामले में सरकार के प्रति अपना पूरा समर्थन और सहयोग व्यक्त कर चुकी है। एक पत्रकार के नाते मैं जानता हूं कि संभवतः जरूरी नहीं है कि यह ऐसा पहला मौका हो जब भारतीय सेना ने इस तरह की कार्रवाई की हो, लेकिन ये ऐसा पहला मौका जरूर है जब सरकार ने इसको खुलकर औपचारिक घोषणा की है। कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार हो, जब ऐसे मामलों में कोई औपचारिक घोषणा करती है तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है। कोई गैर जिम्मेदारी का इतना बड़ा काम कोई सरकार नहीं कर सकती, किसी की भी हो। मैं नहीं समझता कि ये कोई विवाद का विषय होना चाहिए। ठीक बात है, ये बात तो खैर पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी कही है कि भारत इस तरह के हमले करता रहा है, लेकिन जिस पैमाने पर यह कार्रवाई हुई है पहली बार, वो बड़ी है और अलग है। दूसरी बार, पहली बार इसकी आधिकारिक घोषणा हुई है। कई कूटनीतिक सामरिक कारणों से इस तरह की आधिकारिक घोषणा करने से सरकारें पहले की बचती रही है, ये सही है। लेकिन अब जब सरकार ने किसी भी कारण से इसको खुलकर घोषित करने का, चाहे वो पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाना हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये छवि ठीक करना हो कि नहीं, हम भी एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हम भी हमला करना जानते हैं, या देश के भीतर एक जिस तरह की भावनाएं लगातार, सोशल मीडिया का जमाना पहले नहीं था, अब सोशल मीडिया का इतना जमाना है कि एक तरह की वॉर मॉन्गरिंग चल रही है, वो भी गलत है, सभी पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने भी कहा है, तो सरकार ने यह सोचा होगा कि उस तात्कालिक उबाल को ठंडा करने के लिए इसकी घोषणा करते हैं, जो भी रहा हो। लेकिन शायद वक्त ऐसा है कि सभी को मिलकर सरकार के साथ खड़े रहें, क्योंकि अभी यह मामला थमा नहीं है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये केवल एक मरहम है, छोटा सा जो आपने चोट पे लगाया, इलाज से ये बहुत दूर है। और अभी जिस तरह से वापस बारामूला में हमला हो गया, हमको पता लग रहा है कि ये तो अब आगे लगातार चलने वाला सिलसिला है जिसमें देश को कम से कम भावनाओं के स्तर पर एक होने की जरूरत है। और हम पुरानी बात करें तो जब 62 का भी युद्ध हुआ है तो नेहरू जी ने अपील की थी देश साथ रहा, 65 में शास्त्री जी की अपील पर सारा देश राजनीतिक द्वेष को भुलाकर साथ में रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये वक्त राजनीतिक द्वेष भुनाने का है कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए? नहीं, मैंने कहा ना कि इस तरह की बयानबाजी की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ये कोई विवाद का विषय बनना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं, पिछले 2.5 साल से, कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह डिप्लोमेसी के मामले में हड़बड़ी दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने दिखाई, आते ही इतना दोस्ताना करने की जो ललक है, वो शुरू से समझी जानी चाहिए थी कि एक इतिहास भारत और पाकिस्तान के बीच रहा है और रातों रात कोई नतीजे इस तरह नहीं निकल सकते। तो बहुत सी डिप्लोमेसी के एरिया में बहुत सी चूक ऐसी हुई हैं जिनका ये सब नतीजा है। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि भारत ने इस मामले में एक सख्त रुख अपनाया है तो पूरे देश को और हर राजनीतिक दल को उसका समर्थन करना चाहिए और इसे विवाद का विषय कतई नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम आज इस तरह की टिप्पणियां करने से बचने की जरूरत इसलिए भी है कि कांग्रेस ये मानकर न चले कि अब आगे 15-20 साल उसको राज में वापस आना ही नहीं है। यही सब बातें हैं जो विपक्ष के नाते, विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी
तो जिस तरह के बयान देते थे, आज सरकार में आने के बाद वही बयान सब उल्टे साबित हो रहे हैं। तो जब कांग्रेस 2019 में फिर सरकार में आएगी, तो आज अगर हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे तो उससे हम ही को मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए और भी संभल के चलने की जरूरत है। आप बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर, 44 सीटों वाली कांग्रेस। आपको क्या लगता है ऐसा क्या जादू हो जाएगा कि 2019 में वापस सरकार में आ जाएगी? 282 सीटों के साथ 3 दशक के बाद जो पार्टी सत्ता में आई स्पष्ट बहुमत लेकर, 2.5 साल में उसकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर के जहां आ गया है, उसको देखते हुए अगले 2.5 साल में इनकी विदाई निश्चित है। तो आप केवल ये जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, इसकी विफलताओं के महल पर कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं? कांग्रेस अपनी तरफ से ऐसा क्या कर देगी जो 2019 में लोगों को उनको चुनना चाहिए? नहीं, कांग्रेस तो अपनी तरफ से लगातार मेहनत और कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। देखिए, 2014 का जो फैसला आया जनता का, उसमें सिर्फ 31% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। 69% लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जी। ऐसा तो जब 400 सीटें आई थी तब भी हम बात कर सकते थे, ये तो फर्स्ट पास द पोस्ट वाली है, एक वोट से भी हिंदुस्तान में आदमी जीतता है तो जीतता है। हमारे यहाँ परसेंटेज के आधार पर बहुमत का फैसला नहीं होता है, एक उम्मीदवार जो जीता है उसकी गिनती से होता है। मेरा सवाल ये है कि 400 सीटों तक जीत को देखने वाली, उस स्वाद को चखने वाली कांग्रेस 44 पे क्यों आ गई? ज्यादा बड़ा विमर्श तो ये होना चाहिए ना कि 4 तो अभी भी लगा हुआ है कांग्रेस के साथ, एक बार 400 के लिए लगा था, अब 44 के लिए लगा है, तो वो 400 सीटों का बहुमत जीतने वाली कांग्रेस 44 पे क्यों आ गई? क्या ज्यादा जोर कांग्रेस का भाजपा की गलतियां या एनडीए की गलतियां दिखाने की बजाय इस पे नहीं होना चाहिए कि हमारी ये स्थिति क्यों हुई? देखिए, पिछले 1.5-2 दशक में देश में जिस तरह की राजनीति हुई, जिसमें कुछ पार्टियों ने खुलकर ध्रुवीकरण का सहारा लिया, कुछ और पार्टियां थी जिन्होंने खुलकर जातिवाद का सहारा लिया, कांग्रेस इनमें से किसी भी हथकंडे को अपना नहीं सकती थी, क्योंकि कांग्रेस की जो संस्कृति, उसके जो संस्कार रहे हैं, उसका जो इतिहास रहा है, तो कांग्रेस चाहे भी तो भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर सकती, कांग्रेस चाहे भी तो भी जातिवाद की राजनीति नहीं कर सकती। बाकी राजनीतिक दलों के सामने इस तरह की कोई मजबूरी नहीं थी और उन्होंने खुल के इस खेल को खेला, और जिस तरह का समाज बनता जा रहा है, लोकतंत्र के प्रति जिस तरह की चेतना समाज में होनी चाहिए और जो जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, उसके बजाय तात्कालिक लाभ पर दृष्टि ज्यादा है, तो उससे कांग्रेस जैसे किसी भी राजनीतिक दल को जो एक सामंजस्य की राजनीति करना चाहता हो, जो सबको साथ लेकर चलना चाहता हो, जो सर्वसमावेशी राजनीति में यकीन करता हो, उसको ये नुकसान होना ही था, इसलिए ये नुकसान हुआ। क्या कांग्रेस नहीं जानती है कि जातिवाद की राजनीति करने से फायदा हो सकता है? क्या कांग्रेस नहीं जानती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से फायदा हो सकता है? लेकिन चूंकि इन सब हथकंडों को अपनाने से कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस इन जनरल, इनकार किया कांग्रेस ने, उसका नतीजा है। बाकी कुछ फौरी गलतियां भी जो समय समय पर होती हैं वो भी हुई हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस के बारे में लोगों की धारणा उतनी सकारात्मक नहीं रही। क्योंकि पत्रकारिता से भी बहुत करीब से जुड़े रहे हैं, पत्रकारिता को आपने देखा है, इस सरकार पर, वर्तमान एनडीए सरकार पर एक आरोप ये भी लगा है कि इनका मीडिया मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, और मीडिया में जो इनकी पैठ है और जिस तरीके से मीडिया को इन्होंने नियंत्रित करने की कोशिश की, उस पर लगातार उंगलियां उठी। क्या एक राजनीतिक विश्लेषक, एक पत्रकार के रूप में आपको लगता है कि ये बात सही है, और आपको लगता है कि दूसरे दलों की पैठ मीडिया में कमजोर हुई है और इस पार्टी ने सरकार के रूप में मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की? इस पार्टी ने सरकार के रूप में मीडिया को नियंत्रित करने की जो कोशिश की है, वो किसी भी गैर भाजपाई सरकार ने कभी की ही नहीं। पिछली बार भी जब एनडीए की सरकार थी, मीडिया पर नियंत्रण की पूरी कोशिश इन्होंने तब भी इसी हिसाब से की थी, और इस बार तो मामला ही अलग है। हर चैनल पर, हर अखबार पर, सोशल साइट्स पर जिस तरह की पैनी नजर है, और जिस तरह के रोज रोज की मॉनिटरिंग है, और उसके बाद जिस तरह से रोज रोज बुलाकर समाचार समाचार पत्रों के और चैनलों के प्रतिनिधियों को जिस तरह से रोज रोज बुला करके सलाह दी जाती है, तो ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज स्थिति यह है कि जो अखबार
जो चैनल थोड़ा सा भी इनके बारे में कुछ बोलता है उसके तमाम सरकारी विज्ञापन तुरंत बंद कर दिए जाते हैं। और मैं ये बात आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी दिल्ली में यही कर रही है। एक पत्रकार की नौकरी सिर्फ उनके खिलाफ ट्वीट करने से चली गई जी। कांग्रेस की सरकार जब जब रही उन्होंने समाचार माध्यमों पर इस तरह का कब्जा करने की कभी कोई कोशिश नहीं की। आपको लग रहा है कांग्रेस को बात कहने में दिक्कत आ रही है, मंच नहीं मिल रहा मीडिया में कि ऐसा नहीं है? मीडिया में मंच कैसे मिलेगा? कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठते हैं सारी बहस में, कांग्रेस के लोग अगर कोई लेख लिखना चाहें तो वो छपते हैं। कहां छपते हैं? इक्का दुक्का अखबारों को छोड़ दीजिए तो कहीं नहीं छपते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठते हैं चैनलों में उनको बोलने के लिए कितना मौका दिया जाता है और बाकी प्रवक्ताओं को कितना मौका दिया जाता है? दिखाने के लिए बैठाना तो पड़ेगा। आपके पास सोशल मीडिया और दूसरे विकल्प भी हैं डिजिटल मीडिया के, जहां पर अपनी बात आप खुलकर रख सकते हैं जनता तक पहुंचाने के लिए। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया बहुत प्रभावी है लेकिन फिर भी उसका जो असर है वो लिमिटेड है। समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया बहुत निचले तबके तक उसकी पहुंच नहीं है और जो बहुत ऊपर का तबका है उसको भी सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया मध्यम वर्ग और थोड़ा सा निम्न मध्यम वर्ग सिर्फ उस तक सीमित है और उसकी कंडीशनिंग, उसकी मेंटल कंडीशनिंग। और रेडियो का इस्तेमाल भी मोदी जी मन की बात के लिए करने लगे, जो गरीबों के पास सबसे ज्यादा है ट्रांजिस्टर, तो आज भी खेतों में सुनते हैं वो जी। वहां तो टीवी नहीं जा सकता, फेसबुक व्हाट्सएप भी नहीं जा सकता, रेडियो तो रखा होता है जब खेत भी चला रहा होता है, खेत में हल चला रहा होता है किसान। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस की समाचार माध्यमों का अच्छी तरह उपयोग करने में कांग्रेस कमजोर रही है। अब कमजोर हो गई है ऐसा नहीं, शुरू से समाचार माध्यमों का ठीक तरीके से उपयोग करने की जो रणनीति है वो कांग्रेस की कमजोर रही है। इसमें कुछ लोगों का जरूर मतभिन्नता हो सकती है लेकिन श्री पंकज शर्मा जो खुद पत्रकारिता को मीडिया को बहुत करीब से देखते जानते समझते हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी वो हैं सक्रिय रूप से, तो उनका ये आरोप है कि जो सरकार है वर्तमान वो मीडिया को इस तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है कि केवल उन्हीं की आवाज़ सुनाई दे, निश्चित तौर पर गंभीर और संगीन आरोप है। इसके अलावा उनकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 2019 के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस वापस सत्ता में, अभी की जो स्थिति है 44 सीटों वाली निश्चित तौर पर, और विधानसभा चुनाव में भी चूंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी तक तो नहीं रहा है कांग्रेस का और अभी 2.5 साल का सफर बाकी है, पंकज जी ये बात किस आधार पर कह रहे हैं ये आने वाले समय में हमें जरूर पता लगेगा। हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद।